गाइस आप सबका नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो भाई अभी जो है देखा होगा कि 10 दिन से जो है मैं वीडियो नहीं आ रहे थे, और तो हम चले गए थे बागेश्वर धाम से घर, और घर जाने के बाद अब जो है अपना जो है नया ट्रिप स्टार्ट कर दिया है। अभी हम हैं पश्चिम बंगाल में और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन है। ये देखो भाई न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन है, तो यहीं पर अभी जस्ट हम ट्रेन से उतरे हैं और यहाँ से जो है अपना जो है आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं। और अभी तो भाई शाम हो चुकी है, 4 बज चुके हैं और यहाँ से चलेंगे स्टेशन के बाहर, और काफ़ी अच्छे अच्छे भाई वीडियो आने वाले हैं और खूब अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। बस आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना भाई उतना ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करना, और काफ़ी एकदम धुआँ उड़ा देना, धुआँ गर्दा गर्दा कर देना भाई। और क्वालिटी भी अब सही आएगी क्योंकि जो है हमने एक कैमरा ले लिया है GoPro, और पहले से जो है सारा कुछ अच्छा रहेगा। बस आप सबका प्यार बना रहे और सपोर्ट बना रहे भाई। और अभी जो है शाम हो ही चुकी है, बाहर चलते हैं, अब देखते हैं टेंट लगाते हैं कि यही स्टेशन पे सोते हैं। जैसा भी कुछ होगा भाई आपको हम बताते रहेंगे। और अभी ये हमारी देखो एक ट्रेन जा ही रही है यहाँ से। अभी जो है हम रात में जो है स्टेशन पर रुक गए थे, और स्टेशन के जो है बाहर क्या है बारिश ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से टेंट नहीं लगाया। और अभी जो है सुबह हुई है, और उसके बाद फिर हमने जो है ये अपना भाई खाना मिल गया 20 रुपए में, और ये कुछ ऐसा ये होटल है तो 20 रुपए में और ये क्या चाहिए। चलो सुबह का नाश्ता भी हो गया, और नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। और ये पूरा ये बस स्टाफ है स्टेशन के बाहर का। कहाँ से आ रहा, नीचे ज़मीन से यार भाई? ये देखो कुआँ, कुआँ है ये देखो भाई, कुआँ पूरा बहुत डीप कुआँ है, गहरा है, गहरा है। कितना तो इतना ये चौड़ा कम क्यों है? चौड़ा कम है ना, पर पानी तो ऊपर तक का है पूरा, पानी यहाँ तक है ना ऊपर तक, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है बारिश की वजह से। 40 फीट तो नीचे पानी ही रहता है। हाँ, उनको जो है लिफ्ट मिल चुकी है, 4 किलोमीटर की मिली है। और ये भाई के नाम, भाई आपका नाम क्या है? तो बस भाई 4 किलोमीटर तक चल रहे हैं, और कार से मिली है, थोड़ा रात में तो बहुत ज़्यादा पानी गिरा। क्या नाम है तुम्हारा? आशीष युवन। अभी यात्रा कितनी देर में निकलेगी यात्रा? आज यात्रा निकलेगी 10 बजे। 10 तो बज गया है, 10:30 बजे। देर है ना। हाँ। चलो बाय बाय, हम चलते ठीक। बाय बाय करो। बाय बाय। फोटो दिखाइए, फोटो खिंचाइए, फोटो देखना यूट्यूब पर मयंक चौहान ठीक। ये यहाँ की भाई कपड़ों की मार्केट है पूरी लोकल वेस्ट बंगाल की। ये देखो पूरे इस तरह की दुकानें होती हैं सारी, ये देखो अंदर से। और ये पूरी जो है लोकल बाज़ार है यहाँ पे, और बहुत ही कम रेट पे जो है कपड़े मिल जाते हैं। ये एक पास से बहुत दूर तक जो है भाई, ये देखो पूरी दुकानें हैं, ये देख सकते हो इधर से, इधर ये चश्मा मतलब कपड़े से लेके सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ की मार्केट में, पूरा फ्री में। हाँ, फ्री में, फ्री में। मेरा भी कैमरा कर रहा है वीडियो। हाँ, आपके साथ भी बनाएंगे वीडियो। लिफ्ट नहीं मिलती क्या यहाँ पे? मिलती है, मिलती है, मिलता है। आपको कहाँ तक जाना है? मिरिक जाएगा, मिरिक का गाड़ी आएगा टाइम में। अरे लिफ्ट लेके जाएगा, लिफ्ट लेके जाएगा, लेकिन वो नहीं ले जाएगा लिफ्ट में, नहीं मानेगा ना। कोई बात नहीं, कोई मान जाएगा, 1000 में से कोई एक तो मानेगा। एक लिफ्ट चाहिए पूरे दिन में, जो एक मिल जाएगी उसी से चल देंगे। 10 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, और अभी भाई हमको जो है लिफ्ट नहीं मिली है। और ये देखो, और शाम के बज चुके हैं 3, तो अब भाई देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। काहे कि अब बहुत ज़्यादा चल चुके हैं और थक भी ज़्यादा चुके हैं भाई, तो अब बस शहर से बाहर एक बार आ जाएं तो फिर कहीं भी टेंट लगा के अपना वहीं रुक जाएंगे, सही रहेगा। यहाँ से पहले चलते हैं सुखना, और सुखना के लिए जो है मैजिक में बैठ गए हैं, और मैजिक जाना था हमको मिरिक यहाँ से, तो भाई मिरिक के लिए तो पूरी लिफ्ट मिली नहीं, और सुखना चलेंगे, सुखना से थोड़ी दूर है, फिर देखते हैं। कहा कि टाइम ज़्यादा भी अभी हो गया है, और ये भाई इतनी मैजिक है भाई। अभी जो है हम सुखना आ गए हैं, और यहाँ से चलेंगे मिरिक, और यहाँ से पूरा भाई हील एरिया है एकदम वहाँ से, और यहाँ समझ लो एकदम अलग है नेचर। यहाँ जो है ना एकदम मौसम चेंज हो गया, हल्का हल्का ठंडापन, और उधर शहर में था ना बहुत ज़्यादा भाई गर्मी थी। और ये जो मोड़ है ना, ये इधर से दार्जिलिंग के लिए चली गई है, और इधर से हम चलेंगे मिरिक, और एकदम भाई एडवेंचर वाला प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा भयंकर मज़ा वाला है।
और थोड़ा सा और लिफ्ट मिल गई थी तो आ गए यहाँ से। अभी भी यहाँ से जो मिरिक है ना वो काफ़ी दूर है, मिरिक तो यहाँ से 20 किलोमीटर तक का होगा। तो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से जो हमने हिचाइक शुरू किया था वहाँ से 54 किलोमीटर था, और ये मान लो कि 30 किलोमीटर अभी आ गए भाई पूरा। और तो अब यहाँ से थोड़ा बहुत अगर जितना लिफ्ट मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो बस आधा एक घंटे के बाद कहीं पे अपना टेंट लगा के वहीं रुक जाएंगे। थोड़ा भाई ये आज पता है कम से कम 1-1.5 महीने के बाद हिचाइक कर रहे हैं ना, बागेश्वर धाम गए थे वहाँ 15 दिन रुके थे, तो अब ये बैग रखे जा रहे तो पूरा ये कंधा दर्द कर रहे हैं। कहा है कि बैग भी कम से कम हमारा 25 किलो से ज़्यादा ही वेट है, तो इस वजह से कंधा और पूरा पैर दर्द कर रहे हैं, पैदल भी चल लिए। चलो भाई लिफ्ट लेते हैं और फिर पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचते हैं वो आपको अपडेट करते हैं। मिरिक तो नहीं जाएगा, जहाँ तक जाएगा वहीं तक छोड़ दो, ये तो आगे चौक तक जाएगा, चौक से आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक वहीं तक छोड़ देना, मिरिक के लिए तो उल्टा होगा। आप कहाँ तक जाएंगे? चौक तक जाऊँगा, मिरिक के लिए तो दूसरा करना पड़ेगा ना। भाई हम आ चुके हैं मिरिक, और यहाँ की जो है लेक काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये देखो पूरी, वो देखो सामने दिख रहा हो जो है वहाँ पे मिरिक लिखा है, व्यू पॉइंट है। और ये भाई यहाँ पर ना एकदम पूरा जो है नेचर ही अलग हो गया, पूरा एकदम ठंड लग रहा है और धुआं सारा कुछ। और ये कुछ आगे मार्केट है तो मार्केट चल के घूमते हैं, और भाई एकदम जैकेट वैकेट तो भी पहनना पड़ेगा। और लिफ्ट लेकर के आ गए थे पूरा 40 किलोमीटर वहाँ से, और लिफ्ट लेकर के मज़ा आ गया। रास्ते के व्यू तो देखा ही होगा कितने भाई ख़तरनाक एकदम भयंकर वाले व्यू थे। और यहाँ से पूरा जो है ये व्यू ऐसा दिखता है, ये देखो भाई ये जो है ना स्टैंड है, यहाँ से टैक्सी मिलती है सारा कुछ। ये पूरा लेक है इधर, और ये लेक है इधर, ये पूरा लेक है ये देखो। ये ऊपर जो है ना एकदम हम इस समय जहाँ पर खड़े हैं पूरा एकदम टॉप एरिया है, पूरा हिल एरिया है इसको बोलते हैं। और यहाँ से जो है दार्जिलिंग काफ़ी दूर है, और यहीं से एक रूट जाता है दार्जिलिंग के लिए, और नीचे से भी डायरेक्ट जा सकते हो दार्जिलिंग पर। यहाँ से मिरिक होते हुए ना एकदम भाई नेपाल बॉर्डर टच है, तो एकदम यहाँ का कुछ अलग ही नज़ारा है, पूरा नेपाल छू रहा है ना एकदम, यहीं से नेपाल बॉर्डर पूरा लगता है। और ये कुछ ऐसा पार्क है, चलो चल के दिखाते हैं पार्क के अंदर। भाई ये जो पार्क है ना इस पार्क का टिकट पड़ता है, तो ज़्यादा खास नहीं पार्क है, ये बस छोटा सा पार्क है, तो क्या ही करें भाई। तो यहीं से अब वापस हो लेते हैं, और ये पूरा लेक है, ये देखो भाई कितना सुंदर था। भाई अभी हमें मिरिक में, और हमारा देखो एक नए प्यारे दोस्त बने हैं, ये देखो भाई कम से कम आधा एक घंटा से यहाँ है ना, ये पीछा ही नहीं छोड़ रही बिल्ली, ये देखो भाई। हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या है ना, ये देखो जबरदस्ती ना करिए। अरे ये भाई, अरे डर भी लग रहा है ना थोड़ा, क्या है कि पहली बार इसको मतलब बिल्ली को ऐसे पकड़ा है, ये देखो भाई म्याऊ। अरे नहीं अब हमको तो डर लग रहा है भाई, इसको छोड़ देते हैं थोड़ा, अब इसको खेलने दो यार। ये भाई क्या है ना कि हमारे पीछे ही पीछे घूम रही, मतलब पीछा छोड़ ही नहीं रही है, जहाँ जा रहे हैं ना देखो, अब ये देखो पैर पे चढ़ गई है, अपने आप आ रही, देखो ये पैर एकदम, ये जो है आदमियों के साथ में रहती है भाई, ये शायद पालतू है किसी की, ये पालतू है। हाँ ये देखो भाई ये प्रवीण के चढ़ गई है। तो अपना टेंट यहीं कहीं लगा लेंगे आज, और ये जो टेंट लगाएंगे वो कल के वीडियो में दिखाएंगे जहाँ कहीं पर, तो कल भाई पता चलेगा कि टेंट कहाँ पर लगाए हैं। और अभी क्या है कि रात होने वाली है, तो टेंट वेंट लगा कर अब सोने का जो है इंतज़ाम करने जा रहे हैं। अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और तब तक के लिए बाय बाय। और अभी का भाई यहाँ का कुछ ऐसा ये नज़ारा है, ये देखो यहीं कहीं टेंट लगा लेंगे आगे, बाय बाय।